मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विभाग के नवीन भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत तेजी के साथ आगे बढ़ती नई अर्थव्यवस्था है। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम देश भर में 200 वर्ष शासन करने वाले ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश के साथ ही उत्तर प्रदेश ने भी अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाया है। पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश में GDP और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। यहाँ पर CD रेशियो 45% से बढ़कर 60% के करीब पहुंच गया है। अगले वित्तीय वर्ष में इसे 65% करने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या भी बढ़ी है। वर्ष 2014 में जहां 1,45,000 लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते थे, आज वो संख्या 12 लाख पर पहुँच चुकी है। बैंकों की तरफ से भी उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान देने के लिए सर्वाधिक रुचि दिखाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार टैक्स पेयर्स के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर रही है। टैक्स पेयर्स से मिला पैसा ही देश के विकास के काम आता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दिलाया है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए नागरिक कर्तव्यों की सबसे बड़ी भूमिका होगी। हर व्यक्ति अपनी भूमिका को अच्छे से समझकर उनका निर्वहन करेगा तो विकसित भारत का लक्ष्य हर हाल में प्राप्त कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयकरदाताओं को कर जमा करने के लिए स्वतः स्फूर्त तैयार करना नागरिक दायित्व भी है। यदि पैसा नहीं होता है तो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे दिया जा सकता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय समावेशन के क्रांतिकारी अभियान या अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति योजना, मुद्रा ऋण योजना, PM स्वनिधि योजना, BC सखी जैसी योजनाओं का लाभ व्यापक पैमाने पर लोगों को मिला है। इस योजनाओं के क्रियान्वयन में भारत सरकार और वित्त मंत्रालय का महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने बताया कि पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जब उन्होंने इन्वेस्टर्स समिट का करने को कहा, तब उन्होंने बताया कि प्रदेश को 20,000 करोड़ रुपये का ही निवेश मिल सकता है। इस पर सवाल करने पर कहा गया कि उत्तर प्रदेश से लोगों का भरोसा टूट चुका है, इसलिए यहां लोग निवेश नहीं करना चाहते। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। यहां गुंडागर्दी नहीं है, कानून व्यवस्था बेहतरीन है, तो उसका परिणाम भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की उपलब्धियों में देखा जा सकता है। वहीं इस अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुक्त कंठ से सराहना की। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ बहुत ही डायनेमिक मुख्यमंत्री हैं। CM योगी के लिए डायनेमिक शब्द को समझाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में 75 जिले हैं और एक साल में 52 सप्ताह होते हैं। योगी जी साल भर में प्रत्येक जिले का कम से कम एक बार दौरा जरूर कर लेते हैं। कुछ जिलों में यह संख्या और कई बार होती है। वो इंजन की तरफ प्रदेश में घूमते रहते हैं। हर जिला ही उनके लिए हेडक्वार्टर है। प्रथम बार गोरखपुर आगमन को लेकर सीतारमण ने कहा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज बेस्ट इंप्रेशन और मुझे गोरखपुर इतना सुंदर लगा जितना सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में सरकार बार बार ये साबित कर रही है कि जिसका शिलान्यास होगा उसका उद्घाटन भी होगा। सभी परियोजनाओं के पूरा होने की गारंटी भी मोदी गारंटी है। अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश की 4 प्रमुख परियोजनाओं का भी उल्लेख किया। वित्त मंत्री ने बताया कि गोरखपुर के खाद कारखाना और एम्स का शिलान्यास जुलाई 2016 में किया गया और दिसंबर 2021 में इन सभी का लोकार्पण भी हुआ। गोरखपुर में इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च के रीजनल सेंटर का 2018 में शिलान्यास हुआ तो दिसंबर 2021 में उद्घाटन भी। 1978 में लंबित सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन दिसंबर 2021 में PM मोदी ने किया। ये परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जनपदों में 6200 गांवों में रहने वाले 29 लाख किसानों को सिंचाई की सुविधा दे रही है। इस परियोजना के शुरू हो जाने से 14 लाख हेक्टेयर भूमि का सिंचन आसान हुआ है। वित्त मंत्री ने आयकर विभाग की उपलब्धियां पर चर्चा करते हुए कहा कि सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 16.77% बढ़ा है। इसके साथ ही अप्रैल 2023 से 10 जनवरी 2024 तक 2.48 लाख करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड भी किया गया है। 60-70 के दशक से वर्ष 2009 तक पुराने टैक्स क्लेम के मामलों में 25,000 रुपए की धनराशि पर राहत प्रदान की गई है। फेसलेस सिस्टम के चलते शिकायतों में 60% कमी आई है। आयकर विभाग प्रतिदिन 1.66 करोड़ असेसमेंट कर लेता है, जबकि एक सप्ताह में 3.43 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, विधायक प्रदीप शुक्ला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मैडम, मैडम,
सुहानी और प्रेमजी, ये थे कक्षा सात के बच्चे और इसके बाद कक्षा आठ के बच्चे आएंगे। कक्षा आठ के बच्चों में सबसे पहले महक, ये मॉडल चंद्रयान और लैंडर के साथ है। अनामिका, हमारे देश का भविष्य इन बच्चों के हाथों में। आराध्या, अविका, प्रतिभाशाली बच्चे जिन्हें सब कुछ मालूम है। रोशनी, नाम भी बहुत सुंदर सुंदर है इन बच्चों के। अविनाश, बिल्कुल सजीव मॉडल चंद्रयान और विक्रम का। सूरज, और तेजस्वी। इनकम टैक्स भवन के इस नए भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित देश की लोकप्रिय एवं यशस्वी वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय श्री पंकज चौधरी जी, चेयरमैन सीबीडीटी श्री नितिन गुप्ता जी, मेंबर सीबीडीटी श्रीमती प्रज्ञा सहाय सक्सेना जी, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश श्री देवेंद्र सिंह चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, माननीय सांसद बांसगांव श्री कमलेश पासवान जी, आयकर विभाग के सभी अधिकारीगण, गोरखपुर के सभी उपस्थित महानुभाव नागरिक बंधु, आयकर विभाग के पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस मुख्यालय के लोकार्पण के अवसर पर पहली बार देश की वित्त मंत्री का आगमन महायोगी बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरती पर हुआ है। मैं उनका उत्तर प्रदेश शासन की ओर से और गोरखपुर वासियों की ओर से, यहाँ के सभी आयकर दाताओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। यह उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरा के रूप में विख्यात है। गोरखपुर महायोगी गुरु गोरखनाथ की पावन साधना स्थली है। यहां से 90 किलोमीटर की दूरी पर भगवान बुद्ध की पावन जन्मभूमि और 50 किलोमीटर की दूरी पर उनकी पावन महानिर्वाण स्थली कुशीनगर है। गोरखपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर संत कबीर की महापरिनिर्वाण स्थली मगहर है, तो 150 किलोमीटर की दूरी पर
प्रभु श्री राम लला की पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम भी आता है। 200 किलोमीटर की दूरी पर यहां से बाबा विश्वनाथ का धाम काशी की पावन नगरी आती है। अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही विख्यात रहा है और आज भारत की माननीय और यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के इनकम टैक्स के इस मुख्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम में गोरखपुर में आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देश के विकास की धुरी हमारा वित्त मंत्रालय होता है और इससे पहले जब रक्षा मंत्री के रूप में वे देश की रक्षा मंत्री का दायित्व का निर्वहन कर रही थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, तो देश के अंदर दो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा हुई थी और उस समय उन्होंने एक डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को दिया था। उन्हीं के सुझाव पर मैंने अपना प्रस्ताव भेजा था जिसे प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया और अंततः उत्तर प्रदेश के 6 नोड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के रूप में विकसित हो रहे हैं, जिनमें काफी बड़ा निवेश भी आया है और भारत की सुरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिल रही है। उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेसवे आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे है। लगभग 600 किलोमीटर के इस एक्सप्रेस हाईवे के लिए जब जीएसटी काउंसिल की बैठक में आप लखनऊ में पधारी थी तो उस समय आपने बैंकों को इसके लिए तैयार किया था कि वे इसके लिए फाइनेंस करें और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रयागराज कुंभ अगले वर्ष आने जा रहा है, उससे पूर्व हमारा प्रयास है कि हम गंगा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित कर सकें। प्रदेश और देश के विकास के लिए आपकी एक सकारात्मक दृष्टि अभिनंदनीय है और मैं इस अवसर पर आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं भारत आज दुनिया के अंदर एक बहुत तेजी के साथ उभरती हुई एक नई अर्थव्यवस्था है और किसी देश के लिए इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है कि जब वह अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा हो तब वह उस देश को इस मामले में पीछे धकेल रहा है जिस देश ने लगभग 200 वर्षों तक उस पर शासन किया हो। ब्रिटेन 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था तब ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना और हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देश के अंदर इनकम टैक्स के द्वारा अपने टैक्सपेयर के लिए जो 7 हब निर्मित किए जा रहे हैं उनमें से एक गोरखपुर भी बनाया जा रहा है जिसमें इनकम टैक्स के जो टैक्सपेयर हैं, जो आयकरदाता हैं, उनकी काउंसिलिंग के लिए, उनकी किसी भी प्रकार की असुविधा को दूर करने के लिए मैं हृदय से प्रधानमंत्री जी का भी और माननीय वित्त मंत्री जी का इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में तेजी के साथ देश की एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा है। पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपनी जीडीपी को दोगुना करने में सफलता प्राप्त की है तो प्रति व्यक्ति आय को भी दोगुना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। आज देश का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। उत्तर प्रदेश के अंदर बैंकों ने भी, अगर हम रिजर्व बैंक की रिपोर्ट को ही देखें
तो यहां पर होने वाले निवेश में सर्वाधिक बैंकों का जो योगदान मिला है वह उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। और उत्तर प्रदेश के अंदर दोनों चीजें बहुत मायने रखती हैं कि बिजनेस बढ़ रहा है। एक सीडी रेशो जब हम लोग आए थे तो उत्तर प्रदेश का 44-45% था, आज यह बढ़कर के, मैंने कल ही SLBC की बैठक ली थी लखनऊ में और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब ये लगभग 60% के आसपास पहुंचने जा रहा है, यानी 44-45% से बढ़कर के 60% तक पहुंचना। और हमने लक्ष्य दिया है कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए इसको 65% तक पहुंचाना है। लेकिन उतनी तेजी के साथ यह भी साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स भरने वालों को ITR का जो रिटर्न फाइल करने वाले लोगों की संख्या भी बड़ी है। 2014 में केवल 1,45,000 लोग यूपी के अंदर इनकम टैक्स का रिटर्न भरते थे और आज ये संख्या 12,00,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। और यह होना भी चाहिए, हमारा राष्ट्रीय कार्य है और यह कार्य हम सबको मिलकर के आगे बढ़ाना होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह गोरखपुर मुख्यालय है, 20 जनपद इनकम टैक्स के इस मुख्यालय से यहां से संचालित होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि टैक्स पेयर और इनकम टैक्स दोनों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से हम हरेक टैक्स पेयर को टैक्स देने के लिए स्वतः स्फूर्त भाव के साथ तैयार कर पाएंगे। ये केवल इनकम टैक्स की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की भी नागरिक दायित्व होना चाहिए कि हम भी लोगों को इसके लिए तैयार करें, हर समाज का हर व्यक्ति हर नागरिक को तैयार करें कि ये हमारी राष्ट्रीय ड्यूटी बनती है। हम दें तभी देश का विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तब और अच्छा होगा। अगर उत्तर प्रदेश में हमारे पास पैसा नहीं होता तो क्या हम उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाते, एक्सप्रेस हाईवे दे पाते, एयरपोर्ट दे पाते, ये रामगढ़ ताल का सुंदरीकरण हो पाता या और कार्य हो पाते? आज पैसा है तो प्रदेश के अंदर हर जनपद में अच्छे कार्य हो रहे हैं, पैसा ही नहीं होता तो भीख मांग मांग करके कब तक आप काम कर पाते? नहीं हो पाता। इसलिए हम लोग प्रत्येक नागरिक को इसके लिए तैयार करेंगे, इस विश्वास के साथ मैं इनकम टैक्स के इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यालय के लोकार्पण के अवसर पर माननीय वित्त मंत्री जी यहां पर आई हैं, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इनकम टैक्स विभाग को इस मुख्यालय के लिए हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह भवन न केवल देश के इनकम टैक्स को संख्या को बढ़ाने में सफल होगा बल्कि यहां के प्रत्येक टैक्स पेयर को और भी अपने साथ जोड़ करके राष्ट्र निर्माण के इस अभियान के साथ उसे और मजबूती के साथ बढ़ाने का काम करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। उत्तर प्रदेश के बहुत ही डायनेमिक मुख्यमंत्री जी मेरे साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मंत्री श्री पंकज चौधरी जी, CBDT चेयरमैन नितिन गुप्ता जी, मेंबर प्रज्ञा सक्सेना जी और प्रिंसिपल कमिश्नर देवेंद्र चौधरी जी और अधिकारीगण, गोरखपुर के वरिष्ठ नागरिकगण, पत्रकारगण, आप सबको मेरा विनम्र नमस्कार। ये मेरा पहला विजिट है गोरखपुर और जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द बेस्ट इम्प्रेशन। गोरखपुर इतना सुंदर शहर, आई डिडंट थिंक इट विल बी सो ब्यूटिफुल। उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सारे स्पष्टता से बहुत विस्तार से भी कह चुके हैं। सिर्फ मैं एकाध विषय केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रयत्न चल रहे हैं उसको जोड़ना चाहती हूँ उसमें, और उस संदर्भ में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ये भवन के द्वारा प्रत्यक्ष कर के अधिकारीगण सेवा के लिए कटिबद्ध है और डेडिकेटेड है, इसको मैं आश्वासन के रूप में दिलाना भी चाहती हूँ। इस भवन के ऊपर और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज है उसके ऊपर भी नितिन गुप्ता जी विस्तार से बोल दिए, मैं उस संदर्भ में बहुत सारे जोड़ना नहीं चाहती, मगर
मोदी जी के नेतृत्व में हम कैसे केंद्र सरकार के द्वारा एक विषय बार बार प्रूव करके आ रहे हैं, मतलब साबित करते आ रहे हैं, जिसका शिलान्यास उसका उद्घाटन। कभी भी एक विषय को उठाओ और शिलान्यास करो और उसके ऊपर भूल जाओ। एक कभी प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर में जब काम करते हो वो होने नहीं देंगे, शिलान्यास भी और उद्घाटन भी। ऐसे ही ये प्रत्यक्ष कर भवन, मैं इस संदर्भ में इससे पहले इधर से ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में MOS हमारे पंकज जी के स्थान पर पहले जो शुक्ला जी थे उनके समय पर वो MOS जब थे, इधर इसका शिलान्यास हुआ, मगर इसी सरकार के द्वारा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष में इसका लोकार्पण भी हो रही है। इसीलिए हम इस साल 433% बढ़ोतरी किए इन्वेस्टमेंट कैपिटल के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.11 लाख करोड़। ये नंबर इसीलिए हो पाया कि टैक्स कलेक्शन अच्छा चल रही है और इस साल इंटरिम बजट के द्वारा एक छोटा सा कदम हमने उठाया, मगर लगता है छोटा सा कदम, मगर इसका बेनिफिट 1 करोड़ टैक्स पेयर, जो छोटा सा टैक्स पेयर है, मीडियम मिडिल क्लास का टैक्स पेयर है, उनका बेनिफिट मिला है। वी हैव गिवन देम क्लेम्स, आउटस्टैंडिंग क्लेम्स जितने भी थे टैक्स असेसी के ऊपर, 1962 से आपसे आने वाले बाकी पैसा बकाया, 1970 का बकाया, 1980 का बकाया, ऐसे करके अमाउंट बढ़ते गए। लोगों को नोटिस भेजने में उनको डर आता था कि ये क्या है, 60 का 70 का क्लेम अभी लेके आ रहे हैं। सो उसमें एक राहत दिलाने के लिए 25,000 रुपीस तक राहत, मतलब अब पे करने का आवश्यकता नहीं है अप टू 2009-10 का क्लेम्स के ऊपर, और 2010-11 से 2014-15 तक का क्लेम्स का 10,000 रुपीस तक एक असेसी अगर बकाया है तो वो बकाया भरने का आवश्यकता नहीं है, राहत दिला दिया। ऐसे कदम हम टैक्स पेयर बेनिफिट के लिए ले आ रहे हैं, जिससे छोटे टैक्स पेयर को लगता है कि टैक्स डिपार्टमेंट रीजनेबली चल रही है, ओवर क्लेम्स नहीं कर रहे हैं। ग्रीवेंसेस फेसलेस सिस्टम जब लेके आए, माननीय प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस को हमने पूरा पालन किया, फेसलेस करो, इंडिविजुअल टैक्स असेसी इनकम टैक्स कमिश्नर के सामने या ऑफिसर के सामने बैठना नहीं है, सब फेसलेस करने में किसको मालूम नहीं होना चाहिए कौन किसका अकाउंट डील कर रहा है, इसको ले आए। उसके कारण शिकायत 60% कम हुआ है, फेसलेस के कारण शिकायत। शिकायत कम होने का इंडिकेटर क्या है, लोगों के मन में प्रेशर नहीं है, वो कंप्लेन करने के लिए सामने आने आवश्यक नहीं समझता है, इसलिए 60% रिडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। टैक्स असेसमेंट प्रोसेस का टाइम भी कम हो गया है, पर डे हर सिंगल डे 1.66 करोड़ असेसमेंट को हमने ITR फाइलिंग करने वाले का प्रोसेस एक ही दिन में हम खत्म कर लेते हैं, और 3.43 इनकम टैक्स रिटर्न्स को 7 दिन के अंदर खत्म कर लेते हैं, टाइम नहीं लगता आजकल। आखिर में जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, हम ये कर्तव्य काल में हैं, 2047 के अंदर भारत देश एक विकसित देश एक मंजिल तक पहुंचना है, तो हम सब हमारे कर्तव्यों को निभाना है। टैक्स पेयर जितना भी छोटा हो, आपके हर एक पाई पाई को सही उपयोग करके हमारे जिम्मेदारी भारत देश को अच्छा बनाने में खर्च करेंगे, ना कि फसूल में या वेस्ट करने का, पिल्फरेज करने का मौका नहीं देंगे। इसीलिए आप सबके कोऑपरेशन के लिए बहुत धन्यवाद। Yeah.
उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय